हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ मैग्नस का लेटेस्ट लंच बॉक्स। जी हाँ, मैग्नस के काफी लंच बॉक्स आते हैं, टम्बलर, सेपर्स, ये सब आते हैं, बट हाल ही में मैग्नस कंपनी ने इम्प्रोवाइज किया है अपने नए लंच बॉक्स के साथ, जिसका नाम सेम है एवेंजा 3 बट डीलक्स में है। जी हाँ, एवेंजा 3 इसका पहले से आता है, बट अभी हाल ही में कंपनी ने इसे इम्प्रोवाइज करके एवेंजा 3 डीलक्स कर दिया है। इसमें क्या एडवांटेज है वो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ, बट सबसे पहले मैं आपको इसका आउटर बॉक्स दिखाता हूँ, जो कि देखने में काफी अच्छा कलर्ड बॉक्स है कंपनी के द्वारा। अब मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और आपके इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कलर कॉन्ट्रास्ट की बात करूं तो वो कंपनी ने चेंज किया है। पहले ग्रीन कलर का आउटर केस आता था, अब उसको ब्लू एंड ग्रीन के कॉन्ट्रास्ट में कंपनी ने कर दिया है। अब इसे मैं ओपन करता हूं। सबसे पहले अगर चेन की बात करूं तो क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है, इजीली खुल रहा है, इजीली बंद हो रहा है, और एक ये हैंगिंग के लिए आपका सपोर्टिंग के लिए बैंड दिया गया ताकि आप उसे इजीली कैरी कर सके। अब मैं इसे ओपन करता हूं और आपको बॉक्स दिखाता हूं। जी हाँ, जो कंपनी ने इम्प्रोवाइज किया है वो है इसका लिड। लिड कंपनी ने अच्छा कर दिया है। पहले क्या था, लिड ट्रांसपेरेंट था और प्लास्टिक का लिड था, जिससे कि कस्टमर का कहना था कि हम गर्म सब्जी डालते हैं या लिक्विड कोई बेवरेज होता है तो ऊपर प्लास्टिक में टच होता है तो वो अनहेल्दी हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ढक्कन जो है वो स्टील का कर दिया है, ताकि अगर आप गर्म बेवरेज भी ऊपर लग रहा है तो भी उसमें कोई फूड में अनहेल्दीनेस ना आए, वो हेल्दी ही रहे। अब इस तरीके से मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, तो अंदर भी स्टील टच है पूरा, कहीं से भी कोई प्लास्टिक टच नहीं है, और जो डब्बी का साइज है वो एग्जैक्ट सेम था जो पहले वाली का ही था। और इस तरीके से जब हम इसे बंद करते हैं तो पूरी की पूरी लीक प्रूफ हो जाने वाली है जो ये डब्बी है। दोनों के दोनों सेम साइज के कंपार्टमेंट्स हैं, एक स्पून और एक फॉक कंपनी ने प्रोवाइड किया जो कि प्लास्टिक का है। मेरी यही रिकमेंडेशन रहती है कि कंपनी ने इंप्रूव किया है तो स्पून और फॉक भी उनको स्टील का कर देना चाहिए था। होप सो आगे वो भी ये स्टील का कर दे जल्दी ही। और जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है वो कंपनी ने प्लास्टिक का ही रखा है, बिकॉज उसमें आपने लिक्विड कुछ नहीं डालना, लाइक सब्जी वगैरह नहीं डालनी। इसमें अगर आपने कुछ भी डालना है तो वो निवाया करके डालना है। और दूसरा, ये कंपनी ने शायद चपाती के लिए ऐसा किया है कि अगर आप चपाती रख रहे हैं तो जस्ट एक पेपर रैप से फॉइल करके इसमें आप डाल दें तो चपाती भी काफी टाइम तक गर्म रहेगी। बिकॉज जो इसका आउटर केस है ये वाला, वो इंसुलेटेड केस है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छे से फॉर्म लगा हुआ है, इंसुलेशन है उसके अंदर, तो चपाती काफी देर तक गर्म रहने वाली है। और ये इसकी डब्बी हो गई। अब मैं आपको एक दो चीजें हैं जो इसके बारे में बता देता हूँ। मैंने इस डब्बी का लीक प्रूफ टेस्ट किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके आप वो भी देख सकते हैं। तो लीक प्रूफ ये डब्बी है, बट आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। जी हाँ, कभी भी इसमें आपने बिल्कुल गर्म गर्म नहीं डालना जब तक भाप रहती है। एक बार भाप निकल जाए, तब निवाया हो जाए, तब आप इसका ढक्कन बंद करिए, तब बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। क्योंकि अगर भाप होती है तो भाप कहीं से भी लीक हो जाती है, मतलब आप ये समझो कि अगर भाप रिलीज ना हो तो कुकर भी फट जाता है, तो ये तो फिर एक डब्बी है नॉर्मल सी। तो जब भी भाप निकल जाए तब आपने ढक्कन क्लोज करना है, ताकि उसकी जो लीक प्रूफ रहने की क्षमता है वो बरकरार रहे, उसमें से लीक ना हो। और ऐसा सिर्फ इस डब्बी में नहीं है, हर डब्बी में ऐसा एप्लीकेबल होता है। अब ये मैं इसके अंदर डाल के आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर जो ये कवर कंपनी ने दिए उसमें आप स्पून एंड फोक रख सकते हैं, या हैंकी रखना चाहे तो आप वो भी रख सकते हैं। ये इसके बारे में था, ये काफी अच्छा लंच बॉक्स है जो कि मुझे देखने में लगता है। अब इसके बॉक्स में क्या क्या चीजें मेंशन है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले, नॉन टॉक्सिक एंड सेफ, वैल्यू फॉर मनी, स्टैकेबल, इनेबल लॉन्ग लाइफ यूसेज, इजी टू रिमूव एंड रिफिट, मैक्सिमम फूड कॉन्टेक्ट विद स्टेनलेस स्टील। जी यहाँ जो मैक्सिमम कंपनी ने फूड कॉन्टेक्ट है वो स्टेनलेस स्टील के साथ ही है, प्लास्टिक टच नहीं है, ये कंपनी ने मेंशन की है। एयर टाइट है, बीपीए फ्री है। जी हाँ, बीपीए फ्री है, बहुत अच्छी बात है जो कि। और अगर मैं इसकी एमआरपी की बात करूं तो जस्ट 770। जी हाँ, जस्ट 770 इसकी एमआरपी है, जिसमें कि बहुत अच्छा आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अगर डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप वहां से इसे परचेज करें। और इसी के साथ साथ ये कंपनी ने ऑल ओवर इसका मेंशन किया हुआ है, ज्यादा कुछ खास बॉक्स में मेंशन नहीं है। लीक प्रूफ कंटेनर विद बीपीए फ्री प्लास्टिक कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। इजीली इसके लॉक निकल जाते हैं। जी हाँ, अगर आप क्लीन करना चाहें तो ये लॉक डिटैचेबल है, आप इजीली लॉक निकाल सकते हैं और इजीली लगा सकते हैं। ये कंपनी ने ऐसा क्यों बनाया है, बिकॉज कई बार क्या होता है, लोगों की कंप्लेंट रहती है कि लॉक वाले जो कंटेनर है उसके लॉक टूट जाए तो वो खराब हो जाता है, बट इसमें लॉक टूटने का चांस ही नहीं है, बिकॉज वो डिटैचेबल है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, इतनी जल्दी ये लॉक कहीं जाएगा नहीं और इजिली लग जाने वाला है। और उसके बाद आप इसे ऐसे लगा सकते हैं। ये इसके बारे में ऑल ओवर था। अब अगर आपको ये लंच बॉक्स अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।